नमस्कार, आज हम जानेंगे ई रूपी क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हैं। जैसे हाल ही में भारत सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। ई रूपी एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसको बेनिफिशियरी को एक SMS के जरिए या QR कोड के जरिए जो मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि सरकार अपने किसी कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में विशेष इलाज का खर्च उठाना चाहती है, तो वह एक पार्टनर बैंक के जरिए निर्धारित राशि के लिए ई रूपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर स्मार्टफोन पर SMS या QR कोड से मिलेगा और वह अस्पताल में जाकर उसकी सर्विस का लाभ उठा सकता है। ई रूपी एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, तो इसे इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी इस वाउचर को हम बना सकते हैं। इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर है। ई रूपी में अगर हम ई रूपी के मामले में देखें, तो लाभ जो बेनिफिशियरी है उसके पास बैंक अकाउंट होना भी जरूरी नहीं होता। ये इसका अपना एक खास फीचर है और ये इसको भुगतान को टू फेज प्रोसेस इंश्योर करता है, जिसमें कि बेनिफिशियरी को अपने डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरा फायदा यह भी है कि ई रूपी बेसिक फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए उसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है। स्पॉन्सर्स को ई रूपी से क्या फायदे हैं? ऐसी उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करने और इससे ज्यादा पारदर्शी बनाने के रूप में भी ई रूपी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकेगा, क्योंकि वाउचर को भौतिक रूप से फिजिकल यानी कि जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या है, इसकी लागत में भी बचत होगी। इसके अलावा ई रूपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते, ये एक प्रीपेड वाउचर है, सर्विस प्रोवाइडर को रियल टाइम पेमेंट का भरोसा देगा। ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से इसे विकसित किया है। कुछ बैंक के साथ NPCI ने करार किया है जो इसे जारी कर सकेंगे। उसके बाद कुछ एप्स और कुछ जो पेमेंट की ऐप हैं वो भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है उनकी भी। अभी फिलहाल कुछ हॉस्पिटल्स हैं, 1600 से ज्यादा अस्पतालों के साथ करार किया हुआ है, जहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।